हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है इरफान। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नो प्लीट विदाउट प्लीट पैंट कटिंग करना बता रहा हूं, जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया है फैब्रिक 120x120। मेजरमेंट है इस पैंट का लंबाई 38 इंच, कमर 37 इंच, हिप है 45 इंच, थाई 27.5 इंच, घुटना 20 इंच, मोरी 14 इंच और लटक इसका इनसीम है 10 इंच। कपड़े को स्ट्रेट करेंगे, एक सीधा मार्क लगाएंगे। डेढ़ इंच का हमारा बेल्ट आएगा, 1.5 इंच ब्रॉड बेल्ट, इसलिए 1 इंच 1 इंच इस मार्क में ऐसे रखना है। इसका इनसीम है लटक, हाई का मेजरमेंट है 10 इंच और 1 इंच हमने ऊपर निकाल कर रखा है, तो 1 इंच प्लस करेंगे 11 इंच। इनसीम का मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, लटक का मेज़रमेंट लेना और इसका पूरा फार्मूला मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया हुआ है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन के ऊपर मैं वीडियो दे दूंगा। नी का सेंटर लगाएंगे, घुटना का सेंटर, लंबाई का आधा करेंगे 19 इंच और प्लस 2 इंच, 19 2 21 इंच। लंबाई है 38 इंच 38 और हेमिंग करने के लिए, तुरपाई करने के लिए मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच। आप ये 2.75 3 इंच भी रख सकते हो, मैं 2.5 इंच रख रहा हूँ। अब ये सेम मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच, आधा इंच पे एक मार्क लगाना है और अब इस मार्क से हिप को 4 से डिवाइड करना है। हिप का चौथा हिस्सा, हिप है 45, चौथा हिस्सा 11.5 इंच और प्लस 2.5 इंच, 2.5 इंच। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर एक मार्क लगाना है, 1.5 इंच अंदर, और अब इसको हाफ एंड हाफ करेंगे, एक 20 सेंटर लगा लेंगे। अब इस वाले मार्क को किनारी पीस से मेजरमेंट करके ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है। मोरी बॉटम है 14 14 इंच, 14 का चौथा हिस्सा करके इस 20 सेंटर में ऐसे रख लेना है, 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, बॉटम का हाफ 7 इंच। नी घुटना है 20 इंच, 20 का आधा होता है 10 इंच और 10 का आधा 5 इंच, यानी कि घुटना का चौथा हिस्सा करके इस 20 सेंटर में ऐसे रखना है और घुटना का हाफ 10 इंच। अब ये जो हमने 1.5 इंच अंदर एक मार्क लगाया है, यहाँ से 1.5 इंच पे इस वाले मार्क को इस स्ट्रेट मार्क से मेज़रमेंट करेंगे। ये जितना है उतना ही स्ट्रेट यहाँ ऐसे रखेंगे और 0.75 से 1 इंच कम कर देंगे, तो हम 1 इंच कम कर रहे हैं, 1 इंच माइनस। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक ऐसे मार्क लगा लेना है और यहीं से इसको राउंड कर देना है, गोलाई कर देना है।
अब यहाँ से हिप को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस स्टिचिंग के लिए मार्जिंग। हिप का चौथा हिस्सा 11.5 इंच और 1.25 इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए मार्जिन। यहाँ से 1.25 इंच 3/4 डाउन करेंगे। वेस्ट कमर है 37 37 इंच, 37 को चौथा हिस्सा करेंगे 9.25 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन 10.5। वेस्ट कमर इसका 37 इंच है और हिप है 45 इंच, 8 इंच का डिस्टेंस है, गैप है, तो यहाँ से आधा इंच पे एक मार्क लगाएंगे एक्स्ट्रा आधा इंच। ये 1/2 इंच हम बैक में कम लगाएंगे, जब मैं बैक कटिंग करूँगा तब आपको बताऊँगा। अब क्या करना है, यहाँ से 2 सूत 1/4 अंदर एक ऐसे मार्क लगा लेना है। इससे क्या होगा, जब हम यहाँ शेप देंगे तो शेप ज़्यादा हो जाने से क्या है, यहाँ पॉकेट के पास फूल जाता है, ऑल्ट्रेशन हो जाता है, तो यहाँ ज़्यादा शेप नहीं देना है, यहाँ हल्का शेप देना है। क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे यहाँ से 2.25 इंच और इसका लंबाई रखेंगे 8 इंच 8 इंच। बैक कटिंग करने के लिए इस फैब्रिक को ऐसे पलट लेना है। अब यहां से इस स्ट्रेट वाले मार्क में मेजरमेंट करना है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यहाँ 1/2 इंच आधा इंच डाउन करके मार्क लगाना है। यहाँ से 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे 1/2 इंच। और यहाँ ज़्यादा शेप नहीं देना है, हल्का शेप देना है। और यहाँ से 1.5 से 2 इंच ऊपर उठाना है, तो हम 2 इंच पे मार्क लगा रहे हैं 2 इंच अप। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे 1.5 इंच और यहाँ भी 1.5 इंच। अब यहाँ हम जॉइंट लगाएंगे, जॉइंट कैसे लगाना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सिलाई का मार्जिंग हो गया और यहाँ भी ये सिलाई का मार्जिंग, स्टिचिंग मार्जिन। अब ये जो हमने मार्क लगाया है सिलाई का मार्जिन का, इस दोनों मार्क को मैच करके ऐसे रख देना है। अब इस वाले मार्क से हिप को 8 से डिवाइड करना है और 1/2 इंच लेस कर देना है। हिप का 8वां हिस्सा करना है और 1/2 इंच कम कर देना है। ये तो हो गया दोस्तों हिप के फॉर्मूले से। अगर आपको थाई मेज़रमेंट ही करना है, मान लो आपने
मन बना लिया कि नहीं मैं थाई ही मेज़रमेंट करूँगा। तो थाई कैसे मेज़रमेंट करना है मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच नीचे मार्क लगाना है, 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे हम थाई का मेज़रमेंट करेंगे। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर और इधर भी आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर ऐसे फोल्ड करना है। और जितना भी थाई हो, जैसे कि थाई 27.5 है और ये आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, जब ये सिलाई होगा तो 27.5 पे रेडी आएगा। तो ये दोनों तरीका मैंने आपको बताया है। आप चाहे तो हिप का 8वां हिस्सा करके आधा इंच कम कर लीजिए, या फिर अगर आपको थाई का मेज़रमेंट करना है तो आप थाई मेज़रमेंट कर लीजिए। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। इस वाले मार्क को यहाँ नीचे उठा लेना है। यहाँ से वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। कमर 37 है, चौथा हिस्सा 9.25 इंच। आधा इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ हम देते हैं, लेकिन हमने फ्रंट में 1/2 इंच ज़्यादा कट किया है तो वो हम बैक में आधा इंच मार्जिन नहीं लगाएंगे। जैसे कि कमर का चौथा हिस्सा प्लस मार्जिन और ये आधा इंच फ्रंट में हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो यहाँ हम सिर्फ कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे। जो आधा इंच हमारा फ्रंट में एक्स्ट्रा है वो इसमें मेकअप हो जाएगा। यहाँ से डांट के लिए मार्क लगाना है, टेकिंग के लिए। यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 2 इंच 2 इंच, ये डबल डांट आएगा, डबल टेकिंग। सिंगल टेकिंग जो है 1.5 इंच तक ही देना है, अगर 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन आ रहा है तो डबल टेकिंग देना है, तो इसमें हम डबल टेकिंग देंगे। यहां से 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे, तो यहाँ ऊपर से 3.5 इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे और यहाँ साइड से 1.25 इंच मार्क लगाएंगे। कमर 37 है तो इसमें पॉकेट 5.5 5.5 लगा सकते हैं, तो हम 5.5 लगा रहे हैं। ऊपर से 3.5 इंच, अब डबल टेकिंग डबल डांट के लिए यहाँ से 1.25 इंच अंदर एक मार्क लगाना है, 1 इंच 1/4। यहाँ से भी 1.25 इंच, 1 इंच 1/4। टेकिंग डांट का जो मार्जिन है वो 2 इंच है, तो हम 1-1 इंच का टेकिंग देंगे। तो 1 इंच का टेकिंग देने के लिए यहाँ 1/2 इंच और यहाँ 1/2 इंच, तो 1 इंच। यहाँ भी 1 इंच को डिवाइड कर देंगे, 1/2 इंच 1/2 इंच 1 इंच। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा।